हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सबिता चक्रवर्ती। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कटहल की रेसिपी। कटहल एक ऐसी रेसिपी है जो हर किसी को पसंद होता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। कटहल थोड़ा सा हार्ड होता है, उससे कटिंग करना और बनाने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम चला जाता है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा, हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छा टेस्टी हमारा कटहल की सब्ज़ी बनने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह इजी एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। 1 किलो कटहल लिया है, इसे मैं 4 पीस में काट लूँगी। कटहल काटते टाइम एक बात का ध्यान रखें, इसमें पेपर जब भी काटें तो पेपर बिछा लें और एक धारदार चाकू लें और इसे 4 पीस में काट लें। अगर आपके हाथ में इसका दूध लग जाता है तो आप इससे सरसों का तेल लगा के इसे छुड़ा लें। देखिए, मैंने 4 पीसेस में कर लिए हैं। मैंने कुकर में पानी गरम करने के लिए रख दिया था, मैं इसे डाल दूंगी। हाफ टी स्पून नमक और हल्दी डाल दूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसे डालने से अच्छे से कुक हो जाएंगे और काले नहीं होंगे। देखिए, इसे मैंने कुक करके हल्का ठंडा कर लिया है, इसे धो लिया है। इसे मैंने इस तरह से छील लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे छीलना। हाथों से उंगली की सहायता से बस ऐसे ऐसे मोड़ना है, बस ये अपने आप निकलते जाएंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस देखिए, इस तरह से मैं जैसे दिखा रही हूँ इस तरह से करना है, बस ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप इसे काट लें, ऐसे करके काट लें बीच से। फिर इसका जो ब्राउन वाला पार्ट है उसको निकाल दें और बीच वाला पोर्शन भी निकाल दें और छोटे छोटे पीसेस में करके ऊपर वाला पार्ट को कट कर दें। जैसे छोटे छोटे पीसेस में करके ऐसे निकाल दें। फिर से आपको दिखा देती हूँ, इसे ऊपर वाला पार्ट को निकाल दें। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। ये बॉयल किया हुआ कटहल है तो इसलिए इसे कटने में ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। देखिए, मैंने कट के रेडी कर लिया है और 2 बॉयल आलू भी ले लिया है मैंने काट के। आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और 2 बड़े साइज़ का मैंने प्याज को स्लाइस कर लिया है, 2 बड़े साइज़ का टमाटर को भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ले लिया है। और यहाँ पे मसालों में मैंने ले लिया है नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है ना वही वाली ले ली है, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून और जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और यह गरम मसाला 1 टीस्पून। गैस ऑन कर लिया है, मैं सरसों का तेल में बनाऊंगी। कटहल सरसों का तेल में बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, और 1 तेज पत्ता को मैं तोड़ के डाल दूंगी। अब प्याज के स्लाइसेस को मैं डाल दूंगी। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। इसे हल्का सा खाली ब्राउन करना है। देखिए, ये ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं ये अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था उसे मैंने डाल दिया है। अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी।
देखिए भून चुका है, अब मैं कटहल के पीसेस को डाल दूंगी। कटहल के पीसेस को इस टाइम पे भूनने से क्या होगा, इसके अंदर तक अदरक और लहसुन का जो फ्लेवर, अंदर तक मसाला चला जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। इस तरह से आप भी करके एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए मैंने भून लिया है अच्छे से, अब मैं टमाटर को भी डाल दूँगी। टमाटर को थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद अब मैं इसमें ड्राई मसाले जो मैंने रखे थे सारे डाल दूँगी इसमें। इसे अच्छे से मिला लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, अगर आपको नमक नहीं पता चल रहा है तो आप बाद में डालें, पानी डालने के बाद टेस्ट करके। देखिए सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा मसाला मेरा इसमें चिपक रहा है। अच्छे से इसे भून लेना है। अब मैं इसमें बॉयल आलू भी डाल दूंगी, अच्छे से मिला लूंगी। अब ग्रेवी के अनुसार पानी ऐड करें। मैं जितना ग्रेवी रखना चाहती थी मैंने उतना पानी ऐड किया है, मैंने 2 ग्लास लगभग पानी ऐड किया है। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप 1.5 ग्लास ही पानी ऐड करें। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा ग्रेवी मतलब इसका गाढ़ा हो जाएगा। और देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, मैंने इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया है आधा। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और 4 सीटी लगा लूंगी। देखिए प्रेशर रिलीज होने के बाद ये कितना अच्छे से कुक हो चुका है। आप इसे अच्छे से मिला दें, थोड़ा देर अच्छे से मिलाएं इसको, फिर इसके बाद जो बचा हुआ गरम मसाला था उसे डाल दें। देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आया है, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही डिलीशियस बना है। इसे आप गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।